तत्कालीन वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहे जाने वाले लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। भूखे, नंगे, फटे हाथ रहने के लिए मजबूर थे और समूचे शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। काला दिन का दौर था जब शूद्र समाज के लोगों को अपने गले में घंटी और हाड़ी लटकानी पड़ती। और में सामाजिक परिवर्तन के महान युद्ध द्वारा पुलिस जी का प्रादुर्भाव हुआ। हम अपने उन बुरे दिनों को याद करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि हम इंसान जरूर थे लेकिन इंसान के रूप में जीने का हक नहीं। आज सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबाराव फुले जी की जयंती के अवसर पर मैं कोटिया नमन करता हूं, वंदन करता हूं, साथ ही साथ प्रदेशवासियों को जयंती के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आप सब जानते हैं ज्योतिबाराव फुले जी वर्तमान भारत के सामाजिक क्रांति के अग्रदूत रहे हैं। देश में जातिवाद, छुआछूत, ऊंच नीच का भेदभाव, श्रम प्रथा, यहां तक कि तत्कालीन वर्ण व्यवस्था में शूद्र कहे जाने वाले लोग जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर थे। उनके साथ हैवानियत का व्यवहार किया जाता था, भूखे, नंगे, फटे हाथ रहने के लिए मजबूर थे। यहां तक कि धन, धरती, शिक्षा, सम्मान से इन्हें वंचित किया गया था। नारी शूद्रो नधियता उस परिवेश में देश की समस्त स्त्रियों और समूचे शूद्र समाज को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। वो दौर ऐसा काला दिन का दौर था जब शूद्र समाज के लोगों को अपने गले में घंटी और हाड़ी लटकानी पड़ती थी, जिससे कि कोई राह चलते यदि कहीं थूकने की आवश्यकता हो तो अपने हाड़ी में थूके, सड़क पर न थूके, नहीं तो ऊंची जात के लोग अवैध हो जाते थे। कमर में पीछे झाड़ू बांधनी पड़ती थी, जिससे कि शूद्र जिस रास्ते से जाए उसके पैर का निशान मिलता जाए, उस पर ऊंची जात के लोगों का पैर न पड़े अन्यथा वो अवैध हो जाता। ऐसे ही परिदृश्य में घंटी कमर की इसलिए बजानी पड़ती थी जिससे कि जिस रास्ते से शूद्र समाज जाए ऊंची जाति के लोगों को एहसास हो जाए कि इससे कोई शूद्र समाज का व्यक्ति जा रहा है, वो रास्ते से हट जाए अन्यथा शूद्र समाज की परेशानी, उस पर पड़ने का डर और अवैध होने का डर था। ऐसे ही दौर में सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबाराव फुले जी का प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने इस भेदभाव मूलक समाज को खत्म करने का संकल्प लिया, यद्यपि बहुत से झंझावात उन्हें झेलने पड़े। उनको यथार्थवादी ताकतों ने उनके पिताजी से और परिवार से भी अलग कर दिया। दर दर ठोकने खाने की नौबत भी आई और साथ ही मैं सावित्रीबाई फुले जी जो उनके संकट के दौर में परछाई की तरह रात दिन लगी रहती थी उनको भी नमन करता हूं, क्योंकि ज्योतिबाराव फुले जी के संघर्ष में वो कहीं ना कहीं एक
शक्ति प्रदान करने के रूप में, ताकत के रूप में खड़ी रहती थी। ज्योतिबा फुले जी ने यद्यपि उस समय मृतक की पढ़ाई की, मराठी और अंग्रेजी के अच्छे ज्ञाता भी थे, हिंदी का भी बहुत अच्छा ज्ञान था, और उस समय इन तमाम सामाजिक कृतियों को दूर करने के लिए कई बार अंग्रेजी हुकूमत से उनको वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया, और जब जब अंग्रेजों के साथ उनकी बैठक हुई, भारतीय सामाजिक परिवेश में जात पात छुआछूत ऊंच नीच का जो घृणा था उसको भी प्रस्तुत किए, और विशेष रूप से उस समय तत्कालीन में शूद्र समाज जो अमानवीय व्यवहार किया जाता था, पशु व्यवहार किया जाता था, हैवानीय सलूक किया जाता था, उनकी आप बीच भी मजबूती के साथ बात को रखते थे, और उसी का हुआ कि उनकी बातों को ध्यान में रखकर अंग्रेजी हुकूमत ने आगे चलकर इस देश की महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, शूद्र समाज को भी स्कूल जाने का पढ़ने लिखने का अधिकार दिया, स्त्री शिक्षा के स्कूल की शुरुआत 1848 में पूना में ज्योतिबा फुले ने पहला विद्यालय के रूप में स्थापित किया, और यही तत्कालीन परिवेश में और भी समाज सुधार पैदा हुए, जिसमें राजा राम मोहन राय के अथक प्रयास और मेहनत से सत्यप्रथा का भी खत्म हुआ। इस साथ ही साथ अनुसूचित अनुसूचित जनजाति लोगों को सत्ता शासन में सहभागी बनने और साथ ही साथ पढ़ने और कुर्सी पर बैठने का भी अंग्रेजों जारी किया। इसके साथ साथ ऐसे ही प्रदेश में के चलते हुए छत्रपति साहू महाराज ने 1902 सबसे पहले आरक्षण की व्यवस्था भी अपने शहर में की। ज्योतिबाराव फुले जी अंतिम में बाबा साहब अम्बेडकर भीमराव की प्रादुर्भाव का जन्म हुआ, और डॉक्टर अम्बेडकर बुझने लायक तो उन्होंने अपना सामाजिक राजनीतिक गुरु ज्योतिबाराव फुले को मानकर के सामाजिक क्रांति के आंदोलन आगे बढ़ाने का निर्णय लिया। हमारे तमाम महापुरुषों ने तमाम समाज को सम्मान स्वाभिमान शिक्षा सम्मान से कराने के लिए संघर्ष किया, उसी का नतीजा कि एक एक करके सारे हक हकूक अधिकार अंग्रेजी हुकूमत शासन से इस दबे हुए पीड़ित शोषित को देने का किया। आगे चल करके जब हमारे देश के तमाम स्वतंत्रता सेनानियों अमर वीर सपूत के बलिदान त्याग संघर्ष सुभाष चंद्र बोस नेता महात्मा गांधी के नेतृत्व में देश आजाद हुआ, संप्रभु राष्ट्र भारत बना, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत संविधान तैयार करने का मौका मिला, उनकी सुविधा कमेटी के सारे सदस्यों के साथ बातचीत करके राय करके रूप से जो संविधान रूप दिया उसे देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र जी को सौंपा, इसमें सामाजिक क्रांति के महापुरुषों के द्वारा संघर्ष किए गए तमाम करुणा मैत्री बंधुत्व आधारित समाज रचना के साथ धर्म शिक्षा सम्मान और शूद्रों पढ़ने का सम्मान सम्मान के साथ रहने का अवसर, ये सारे के अधिकार भारतीय संविधान के माध्यम से मौलिक अधिकार के रूप में सबको, आज इन्हीं महापुरुषों के दौलत हम वर्तमान में समान की गुजर करने का अवसर पा रहे हैं। यही नहीं, सभी क्षेत्रों में रूप से आगे बढ़ने का भी अवसर भारतीय संविधान के रूप में मिल रहा है।
ऐसे पर स्वाभाविक रूप से जब हम जन्मदिन मनाते हैं तो उस अति को अवसर होता है कि जबकि हम उन बुरे दिनों को करते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, हम इंसान जरूर थे लेकिन इंसान के रूप में जीने का हक था। जिस उस तालाबों में नदी में जानवर पानी पी सकते थे, सुअर गधे घोड़े बकरी गाय भैंस चिड़िया कबूतर उल्लू चीले सब पानी पी सकते थे, लेकिन अगर शूद्र समाज पैदा हुआ कोई व्यक्ति इंसान है तो पानी नहीं पी सकता। इसके लिए भी महापुरुषों ने बहुत आंदोलन किए। बाबा डॉक्टर अंबेडकर फुले जी आंदोलन आगे बढ़ाते हुए ऐसे भी अवसर कि लोगों को पानी पीने के लिए भी आंदोलन करने पड़े, महाआंदोलन तो स्वाभाविक रूप से जब आज हम अपने महापुरुषों का जन्मदिन मना रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें केवल पुष्पांजलि कर फूल चढ़ा करके श्रद्धा सुमन अर्पित करके इतिश्री नहीं होनी चाहिए बल्कि उनके संतों को भी उसमें पाठ सीख समय में जो आज हमारी प्रीतियां भाव है आज राष्ट्र बनने के बाद संविधान होने के बावजूद भी जब जातवादी हमें हीन समझती हैं, हमें